हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी क्लास का एक मार्कशीट कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे आप उनका ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड, रिजल्ट और रैंक ये सारे के सारे वहाँ पे मेंशन कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट का, जो कि जिसमें आप ऑब्टेन मार्क देख सकते हैं, उसके साथ साथ परसेंटेज है, एवरेज है, ग्रेड है, रिजल्ट है और रैंक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया हुआ है मार्कशीट का और कुछ 10 स्टूडेंट का मैंने यहां पे मेंशन किया है और उन्होंने सब्जेक्ट में लिया है मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस। तो अब हम इस स्टूडेंट का, ये जितने 10 स्टूडेंट है, इनका मार्कशीट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखते हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स तो हर स्टूडेंट का सेम होगा, तो ये 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे 400 लिख देता हूँ टोटल मार्क्स। अब एक बात मैं को बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे 400 तो लिखा, लेकिन मेरे पास ये 10 स्टूडेंट है तो मैं एक एक करके 400 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर किसी क्लास में या आप ही के क्लास में अगर आप एक टीचर है, आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो क्या 100 बार आप 400-400 लिखेंगे? नहीं ना, बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आप इसको कैसे शॉर्टकट तरीके से जल्द कर सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे आपने 400 लिखा, लेफ्ट एरो की को क्लिक कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की को प्रेस कीजिए। तो आप देख रहे हैं जो एंडिंग है वहां पे हमारा कर्सर आ चुका है, उसके साथ फिर राइट एरो की को प्रेस करेंगे और कंट्रोल को दबाते हुए, शिफ्ट को दबाते हुए अप एरो की को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा पूरा टोटल मार्क्स है, जो भी आप करना चाहते हैं वो प्लस सेलेक्ट हो जाता है वो कॉलम। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये पूरा फिल डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से ये पूरा काम हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑब्टेन मार्क्स की तरफ। यहाँ पे 4 स्टूडेंट ने, ये जो 10 स्टूडेंट है, इन्होंने इन 4 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गेन किया है, ऑब्टेन किया, अब हम वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे इक्वल टू, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ से ऑटो सम कर सकते हैं, ये हाईलाइट जहाँ पे हो रहा है, या तो आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल टाइप करने के लिए आपको हर एक जगह पे जहाँ पर भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है तो वो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सम, ब्रैकेट देंगे, नंबर वन में मेरा ये 4 है सब्जेक्ट, इन 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, इंटर, तो हमारा ये ऑप्टिमम मार्क्स आ गया है। अब हमें फिर से ये सारे कॉलम जो है स्टूडेंट में, ये सारे ऑप्टिमम मार्क्स फिल करने हैं। तो हम फिर से वही फॉर्मूला अपने जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताया, राइट लेफ्ट एरो की, देन कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, देन अगेन राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो की, देन कंट्रोल डी। तो ये हमारा पूरा हो चुका है ऑप्टिमम मार्क्स का। तो ये 10 स्टूडेंट ने हर एक जगह पे, हर एक में ऑप्टिमम मार्क्स हमें मिल चुकी है। अब निकालेंगे परसेंटेज। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब ऑप्टिमम मार्क्स निकालना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना आता होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है वो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ और भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ऑप्टिमम मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू, तो हमारा 92% आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा 92% इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इस कॉलम को मैंने 92% में सेट कर रखा है, इसलिए मेरा 92 दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज को सेट नहीं करेंगे तो आपको ये डेसिमल में दिखेगा,
फॉर एग्जाम्पल 91.25, 91.75, 92.25 इस तरह से, तब उसको अगर इस परसेंटेज से कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज। अब हम इसको फिर से फिल डाउन कर लेते हैं पूरा, ताकि हमें ज्यादा वर्क ना करना पड़े और मैं आपका ज्यादा समय भी ना लूं। तो ये हमारा सारे स्टूडेंट का परसेंटेज निकल चुका है। अब हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे एक पर देखिए एवरेज लिखेंगे तो हमारा एवरेज कहा आ गया। एवरेज के बाद हम इन चारों को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इन चार सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है। हमने सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट वन इंटर, तो ये हमारा एवरेज भी आ चुका है हर एक स्टूडेंट का। मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, फिल डाउन कर लेता हूँ। तो अब देख रहे हैं कितनी जल्दी से ये सारा काम हो गया। अब जो बचा है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। आजकल हर स्कूल कॉलेजेस में ये हो रही है ग्रेड देना, जहाँ पे A++, A+, ABCD, कोई 90 से ऊपर लेके आया A या 95 के ऊपर लेके आया A+, इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अगर कोई 95 टू 90 या 100 ये हमारा A+ में है, तो मैं 90 लेके आया हो या 95 लेके आया हो और मेरा एक फ्रेंड है वो 99 लेके आया, तो हम लोग दोनों A+ में ही रहेंगे। तो इससे क्या होता है ना, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई सेम कैटेगरी में आ जाते, सेम ग्रेड में आ जाएगा। अब अगर कोई 90 टू 95 में, मैं 90 लेके आया, मेरा दोस्त 94 लेके आया, हम दोनों सेम एक ग्रेड में है, इससे क्या होता है ना कॉम्पिटिशन बढ़ती है। पता नहीं चलता है कि कौन कितना पढ़ने वाला है, कौन कितना समझदार है, इसको किस तरह से एनालाइज किया जाए। इसके लिए फिर रैंकिंग किया जाता है। मैं आपको रैंकिंग के बारे में बताऊंगा, पहले आपको ग्रेडिंग सिस्टम बता दूं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम को निकालने के लिए हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इफ फॉर्मूला का, देखिए इक्वल टू हम इफ लिखेंगे, इफ के बाद मैं चाह रहा हूं कि मैं एवरेज से ग्रेडिंग निकालूं। अगर आप चाहते तो परसेंटेज से भी ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इफ से एवरेज से निकालता हूं ग्रेडिंग। K4 ग्रेटर इक्वल टू अगर 90 होता है, इस कैटेगरी जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमें सो हो A+, उसका फिर हम इफ लिखेंगे, फिर एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 80, इस कैटेगरी में जितने भी हैं वो हमें A सो करेगा, A ग्रेड में आएंगे। फिर हमने इफ लिया K4 ग्रेटर इक्वल टू 70, इस ग्रेड में जो है 70 के लाइन में जो है वो हमें B सो करेंगे। फिर से इफ, फिर से यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 60 करेंगे हम यहाँ पे, जो हमें शो करेगा सी। और अगर जो 60 से भी नीचे है वो हमें शो करेगा डी, जो 60 से भी कम लाया है मार्क्स का तो हमें डी शो करेगा। हमने चार ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया, तो हमने यहाँ पे चारों ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 91.5 जो सबसे टॉप पे है वो आ चुका है A+, क्योंकि हमने 92 अबव जो है वो हमने A+ किया था। अब हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट कौन कौन से ग्रेड में आए हुए हैं, तो ये हमें सारा का ग्रेड मिल गया। अब मैं आपको ये जो बता रहा था वो देखिए, यहाँ पे बी जो है वो चार बार आया हुआ है, पांच बार आया हुआ है अभी, क्यों? क्योंकि 70 से ऊपर है हमने बी लिया था। तो आप देख रहे हैं 73 में भी, 76 में भी, ये भी 76 में भी और 75 में भी, दोनों का एवरेज अलग है, परसेंटेज अलग है, लेकिन ग्रेड क्या हो जा रहा है वो सेम हो जा रहा है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। लोगों को पता नहीं चल रहा कि उनके बच्चे कितने आगे हैं दूसरों से। इसी के लिए रैंकिंग स्टार्ट किया गया है। तो रैंकिंग बारे में बताता हूँ, उससे पहले हम रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में आपका जो पासिंग मार्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर पासिंग मार्क है आपका 35 और अगर 35 से किसी भी एक सब्जेक्ट में कम आ जाता है तो हो जाता है फेल। तो हम वही निकालेंगे कि कैसे पास और फेल को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम इफ लगाएंगे मिनिमम, मिनिमम सब्जेक्ट में क्या है हमारा, ये हम लेते हैं सब्जेक्ट, चारों का सब्जेक्ट, और ब्रैकेट को बंद करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू 35 से अगर ज्यादा है तो वो हमें पास शो करेगा, अगर उससे कम है तो हमें शो करेगा फेल। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट में पास और फेल का निकालना, कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। तो आप देख रहे
दो बंदे यहाँ पे हमें फेल दिख रहे हैं। कौन कौन? सबसे पहला है रोहित, क्योंकि यहाँ पे मैथ में इसने 33 लेके आया हुआ है, जो 35 से कम है। और दूसरा है लोकेश, जो हमारे देख रहे हैं हिंदी पे 32 है इनका, जिसकी वजह से ये फेल में आ गया। तो अब ये जो लास्ट है, जो मेरे को बता था रैंकिंग, रैंकिंग कैसे निकालेंगे? अब हम रैंक निकालते हैं इक्वल टू, देखे रैंक दिया हमें रैंक, रैंक में हम करते हैं एवरेज से करेंगे, ये हमने ले लिया कॉमा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये टोटल को हमको सेलेक्ट कर लेना है और जीरो ब्रेकेट वन। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमने रेंज लिया है K4 to K13, इस रेंज को हमें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? F4 को यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये लॉक हो गया, डॉलर के साइन आ चुका है, इससे भी हम लॉक कर देते हैं, दोनों लॉक हो चुका है। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने रैंक दिख जाएगा, किसका कितना रैंक है। अब हम सारे स्टूडेंट का रैंक निकाल लेते हैं, ये देखिए आपके सामने आ चुका है कि कौन सा स्टूडेंट अब किस रैंक में, आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे बी हमने यहाँ पे 5 देखे थे, अब देख रहे बी यहाँ पे 2-3 में कैसे कैसे आते हैं। तो अब देख रहे यहाँ पे जो 73 है वो 8 रैंक में है, 76 में वो 4th रैंक में है, 76 में जो है वो है 5th रैंक, 75.5 है वो है 6th रैंक, और 75.25 है वो है 7th रैंक। लेकिन ये सारे के ग्रेडिंग भी है, लेकिन रैंक में क्या होती है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी क्लास का मार्कशीट को डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो बना सकते हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सवाल होता है एक्सेल के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जैसे बताना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, सबा खैर।